हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के बारे में आप सबको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन चैनल को स्टार्ट करने से पहले आप सब सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो यूजीसी नेट एंड किसी अदर एग्ज़ाम के बारे में डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के फॉर्म फिलअप की डेट ख़त्म हो गई थी। पहले तो ये 20 तक थी, मतलब 20 मई तक थी, फिर इसे 30 मई तक फर्दर बढ़ा के कर दिया गया था। और फिर करेक्शन विंडो भी बंद हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलअप और करेक्शन विंडो दोनों की डेट ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद बच्चों में एक क्वेश्चन है कि अब इसकी एडमिट कार्ड कब आएगा और या इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आप सब जानते हैं कि आज हो गया 11 जून, तो जब भी एडमिट कार्ड इशू होता है तो उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम होता है। तो अभी एडमिट कार्ड इश्यू होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड दूसरी चीज़, और जून में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए। तो आप सब अपनी प्रिपरेशन इसी के रिगार्डिंग रखिएगा कि जून में ही होगा, मतलब ऐसा मान चलिए कि जून में ही होगा, ताकि आप जून तक अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ एंड फर्दर जब जुलाई में एग्ज़ाम हो तो आप फिर से रिवाइज़ कर पाएँ। मतलब अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिए। जैसे आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए, और आपका एग्ज़ाम जून में तो बिल्कुल नहीं होगा और ये एग्ज़ाम अब जुलाई में चला जाएगा। तो आप मान चलो कि 20 जून या 25 जून तक अगर कोई नोटिफिकेशन आता है एडमिट कार्ड को लेकर के, तो भी एग्ज़ाम मान के चलो कि 10 जुलाई के बाद होगा। मतलब आपके एग्ज़ाम 10 से 15 जुलाई के बीच में होने वाले हैं, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ये वीक, सेकेंड वीक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूरे के पूरे चांसेस हैं। अगर नोटिस 20 to 25 जून तक आ गई, तो अगर 20 to 25 जून तक नोटिस नहीं आती है तो यही एग्ज़ाम थर्ड वीक में टल जाएगा। और फिर अगर यही नोटिस लास्ट वीक ऑफ मई में आती है, सॉरी लास्ट वीक ऑफ जून में आती है, तो यही एग्ज़ाम जुलाई में, जुलाई के लास्ट वीक तक चला जाएगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि जून के कौन से वीक में नोटिस आता है। तो ये नोटिस कभी भी आ सकता है, मतलब यूजीसी नेट कभी किसी को कोई काम बता के नहीं करती। बच्चे सोचते रहते हैं कि अभी डेट बढ़ता रहेगा, और हिसाब से अपनी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं ध्यान देते हैं और दूसरी किसी चीज़ की तैयारी करने लगते हैं। फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट जब होता है तो उनका नहीं हो पाता। तो ये गलती आप सब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद या इसके नोटिफिकेशन के बाद आपके पास मैक्सिमम 10 डेज का टाइम होगा, और 10 डेज में आप रिवाइज कर सकते हो अगर बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़े हो। मतलब फर्दर कोई प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। मतलब 10 डेज, 10 सब्जेक्ट को मान लो, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर देखोगे तो 10 से तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा अभी से फोकस करके चलिए, अभी से रिवाइज करते हुए चलिए, और आपके एग्ज़ाम अभी तक जो चांसेस हैं सरकमस्टांसेस को देखने के बाद और टीचर से बात करने के बाद यही पता चला है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक चांसेस हैं। और अगर यही नोटिस डिले होता तो याद रखिएगा थर्ड वीक भी हो सकता है, फोर्थ वीक भी हो सकता है। और आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे रख के चलिए कि 10 जुलाई तक हमारा एग्ज़ाम होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और कुछ बच्चे परेशान रहते हैं तो अपने और जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी वीडियो भेज दें, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से अपना कंडक्ट कर पाए और कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट के रिगार्डिंग पूछना है तो आप सब कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।